हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू एग्जाम्पल एस सी एच फ्रेंड्स आज लिटरेरी टर्म और फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट एम से क्यूज आपके सामने है आइए शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें प्लीज़ फुल्ली एग्जाम ओरिएटेड क्वेश्चन हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन है कि व्हाट इज द डिवाइस कॉल्ड बाय विथ नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर ज क्रेडिटेड विथ ह्यूमन इमोशंस तो ये आंसर हो जाएगा पैथेटिक फाइल से क्वेश्चन नंबर टू है कि अथॉरिटी फॉरगेट्स डाइंग किंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परसनिफिकेशन यानी अथॉरिटी को क्या किया दिया गया है फॉरगेट्स यानी भूलने का काम तो मानो का है लेकिन अथॉरिटी को दिया गया है तो यह हो जाएगा पर्सनिफिकेशन द टर्म एंडिया एंड एक्जी केम फ्रॉम ग्रीक ध्यान रखेगा एनो और एक्जी जो टर्म है जो एफो एस या फिगर ऑफ स्पीच है वो ग्रीक से लिया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है कि ऑलमोस्ट द होल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री इज डोमिनेटेड बाई अब देखिए ऑलमोस्ट होल की बात कर रहा है तो एम्बेग पेंटामीटर में ही चले जाएंगे आप लोग एम्बेग पेंटामीटर अ लवलियर फ्लार ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन तो हो जाएगा हाइपरबोल है इसे बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है हाइपरबोल का मतलब होता है थिंग्स आर प्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस देन दे लेसर ऑल अर्थात अपने वास्तविक स्थिति से बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है दैट कॉल्ड हाइपरबोल ओके नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एड्रेस आई दू एन अबसेंट पर्सन और टू एन अब्सट्रेक्ट एन इन एनमिटी

विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स सो एक्जी मोरन एक्जीमोरॉन मीन्स होता है टू अपोजिट क्वालिटीज आर प्रजेंटेड टुगेदर अर्थात दो अपोजिट क्वालिटीज़ एक साथ क्या होते हैं प्रयोग होते हैं या आ, प्रस्तुत करते हैं तो ये हो जाएगा स्वीट पेन स्वीट माने मीठा पेन माने दर्द तो ये कौन सा समझ रहे हैं ना तो ध्यान रखिएगा स्वीट पेन हो जाएगा एग्जी मोरन विच फिगर ऑफ स्पीच इज इम्प्लॉयड इन दिस लाइन ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ब्रीथ सांस लेने का काम कौन लेकिन यहाँ पर मानो मान लिया गया है ओ विंड को वेस्ट विंड को यानी ब्रीथ वो सांस लेता है कहने का मतलब है कि पर्सनिफिकेशन जब किसी चीज़ या वस्तु को हम मानो मानने की बात करते हैं तो पर्सनिफिकेशन होता है क्लियर है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा है आज का टेन नंबर का कि इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इज़ ऑनर रूटेड इज ऑनर स्टोर्ड यानी देखिए यहाँ बोले हैं ना टू अपोजिट क्वालिटीज तो ऑनर सम्मान और डिस उसका अपोजिट तो सीओने के हम अगजय मुरान की बात कर लेंगे ठीक है अगजय मुरान का विच फिगर ऑफ सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड सेंटेंसिस पोस्ट्रॉफी अपोस्ट्रॉफी होता है कि हम uh, मरे हुए व्यक्ति को डिनोट करते हैं या लाइफलेस थिंग्स को डिनोट करते हैं तो वहां पर ओ डेथ अब देखिए ओ डेथ को डिनोट किया गया है सॉरी ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा आप स्ट्रॉफी हो जाएगा ठीक है द यूज ऑफ द वर्ड विच हमरस सटैरिकल इंटेंशन सो दैट द मीनिंग ऑफ इज डायरेक्टली अपोजिट ऑफ वाट इज सेट तो कह रहा है कि हमरस हो लेकिन ध्यान रखिएगा हमरस हो सटैरिकल इंटेंशन हो ताकि द मीनिंग इज डायरेक्टली अपोजिट ऑफ यानी जो बोला जा रहा है उसके विपरीत हो वो आयरनी होता है ठीक है आयरनी होता है व्यंग बोलते हैं वट इज लिटरेरी मैन आर अटरेचर राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क टर्म एज देखिए इसको लिटरेचर बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग को आपको ध्यान में रखना होगा टी ई यू आर है क्लियर है नेक्स्ट लाइफ इज बट अ टॉकिंग सैडो तो ये है मेटाफर और मेटाफर का मतलब होता है कि इन मेटाफर वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड विदाउट यूजिंग एस सो लाइक यानी हम बिना एस सो लाइक का यूज किए बगैर ही हम तुलना करते हैं लाइफ इज बट अ टॉकिंग सेडो वॉकिंग सेट होगा टॉकिंग सेट होने है ये मेटाफर होगा क्लियर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन uh, की ओर बढ़ते हैं द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग ये एनोमेटपोया है एनोपेटो तो एनोमेटोपोिया का मतलब ये होता है कि जो साउंड होते हैं यानी जो चीज़ें होती हैं जो वस्तुएँ होती हैं अपने साउंड इफेक्ट के माध्यम से अपने अर्थ को प्रतिध्वनित करती हैं यानी कह सकते हैं स्नेक जो है हिस कर रहा है और बीज जो मधुमक्खियाँ मतलब होती हैं बजिंग कर रही हैं तो एनोमेटपोया हो जाएगा

लोग अंधे होते हैं लेकिन लव को यहाँ पर क्या मान लिया गया है व्यक्ति मान लिया है पर्सन मान लिया इसलिए पर्सनिफिकेशन हाउ हैप्पी इज ही हीयर हाउ हैप्पी तो हो जाएगा लिटरेशन हाउ हैप्पी ही इज हीयर क्लियर है द वाइज इज फादर टू द थॉट तो द वाइज इज फादर टू द थॉट यानी वाइज को क्या किया गया है मानो माना गया तो पर्सनिफिकेशन ब्रिक ब्रिक ब्रिक

यानी चालीस हज़ार ब्रदर उसको अगर प्रेम करें तभी मेरा प्रेम उनसे बड़ा ही होगा उनसे अधिक ही होगा तो आइए बात करते हैं ठीक है फिक्र स्पीच की तो यहां पर बोल हो जाएगा बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है वट आई मीन बाई सोनेक्डी का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग समिफाइव द होल यानी कह रहा है कुछ ऐसी चीज का छोटा सा हिस्सा जो पूरे को क्या कह रहे शो so कर कह रहे कहलाता कह है वट इज द टर्म यूज टू डिनोट द यूज ऑफ अ टर्म टू मीन एन अदर विथ इट्स हैज बिकम क्लोजली एसोसिएटेड टू द क्राउन तो बात करते हैं मिटोनीमी का मिटोनिमी ठीक है ग्रो कोल्ड की बात कर रहा है ठीक है यहां कोल्ड और यहां वार हाँ ये भी ध्यान रहे कि आप अज़मुरान से नहीं बोलेंगे अज़मुरान भी कुछ ऐसा होता है लेकिन एंटीथेसिस को आप समझना होगा 27 की बात करते हैं भी दूमैनट की लाइन है और ये अपस्ट्रॉफी है क्लियर है द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन ए एसिमली है एज यानी इन इनिमली वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड सो लाइक बाई जब एस आया है तो हमारा हो जाएगा ब्रिक 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 अब यहां देखिएगा ब्रिक 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 ब्रिक्डर्स बोल्डर्स बिसाइड द रिवर तो यहां पर लिट्रेशन हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये कई बार पूछा गया ध्यान रहे और जहां पर हम डिनोट करते हैं किसी चीज को तो वहां पर ट्रॉफी हो जाएगा द सिटी इज वाइज इट्स सेल्फ इज सॉफ्ट लाइक सोलिट्यूड्स तो देखिए लाइक का प्रयोग हुआ है अभी मैंने बोला भी है कि इन सिम्बली वी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट साइंस बाई यूजिंग एल सो लाइक तो लाइक का यूज हुआ है तो हमारा सिमली हो जाएगा इन रेटोरिक अब रेटोरिक का स्पेलिंग क्या होता है रेटोरिक में कह रहा है स्ट्रेस लेबल इज फॉलोड बाई अनस्ट्रेस लेबल यानी रेटोरिक जो होता है पहले स्ट्रेस लेबल आता है फिर बाद में अनस्ट्रेबल अनस्ट्रेस लेबल आता है क्लियर फ्रेंड्स थोड़ा फटाफट अंदाज में चलेंगे हमें टाइम वेस्ट करने का कोई वो नहीं है हम लोग फटाफट में चलेंगे हमको पढ़ना है कम समय में ज़्यादा सी फ्लोट्स लाइक अ लॉ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी बता रहे हैं कि फ्लोट्स लाइक लाइक आया है तो हमारा सिम्बली नो प्रॉब्लम लाइफ आई नो नॉट व्हाट द वर्ड अब देखिए यहां पर लाइफ को डिनोट कर रहा है

यानी बबलिंग साउंड होता है ना तो यहाँ पर बोल रहा है लैपिंग तो सी एनोमेटोपो है जहां आवाज़ की बात आ जाए अगर म्यू की बात आ जाए तो कैट हो जाएगा डाक बार्क की बात आ जाए तो डॉग हो जाएगा चर्प की बात आ तो बर्ड्स हो जाएंगे ठीक है इस तरह हिस की बात आ जाए स्नेक हो जाएगा चैटर की बात आ जाए तो मंकी हो जाएगा रोर हो जाएगा तो आपका लायन हो जाएगा ठीक है ट्रम्पेट मंकी और सॉरी एलिफेंट हो जाएगा इस तरह की बात है लाइफ इज बट वॉकिंग सरो मेटाफर ये बार हो चुका है ये रिपीटेड क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा वहाँ टॉकिंग दिया था वॉकिंग होगा वॉकिंग ही सही है द फिट ऑफ द टू सिलेबल इन विच द अनस्ट्रेस लेबल प्रिस द स्ट्रेस ओन इज अब देखिए कह रहा है कि दो सिलेबल पहले आए और बाद में आ, क्या हो आ, पहले स्टार्टिंग में दो अनस्ट्रेस लेबल आए और बाद में स्ट्रेस लेवल आए एक सिलेबल आए तो वो एम बेक कहलाता है ठीक है यानी दो सिलेबल वो भी अनस्ट्रेस्ड हों और बाद में एक स्ट्रेस लेवल आए तो वो एम होता है ठीक है एन एक्सटेंडेड नरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विड बी कॉल्ड तो कह रहे हैं कि एन एक्सटेंडेड नरेटिव कैरीज सेकेंड मीनिंग यानी जिस चीज का भी सेकेंड मीनिंग हो वो अलगरी में आ जाएगा आपको पता है अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अंडस्टेटमेंट विच अट अपॉर्मेटिव बाई नि कह रहा है कि इसमें हम चीजों को नकारात्मक भाव से देखते हैं में. कह रहे हैं स्पेशल फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट विच असर्ट अफॉर्मेटिव आई निगेशन द कंट्रेरी इज लिटोटेस ठीक है थ्री ईयर्स सी ग्रीव इंसन एंड सॉल तो ये कह रहा है कि एंटीथेसिस हो जाएगा ये लाइन है लूसी पोयम्स से ठीक है कैन यू हीयर द बचिंग बीच क्या आपने सुना है मधुमक्खी उपन बनाते हुए तो एनोमेटोबिया बजिंग की बात है तो अनुमेटोबैया द सेक्रेटरी वॉज कॉन्सपीशियस बाई हिज एब्सेंस तो आप स्ट्रॉप ही हो जाएगा द सेक्रेटरी वॉज कॉन्सियस बाई हिज एबसेंस ठीक है क्या होगा सेक्रेटरी वॉज कॉन्स कॉन्सपीसियस बाय हिज अपसेंस इसको क्वेश्चन हम रिव्यू में छोड़ते हैं फ्रेंड्स रिव्यू में छोड़ेंगे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है आगे बढ़ते हैं फोर्टी थ्री की बात करते हैं वो अर्थ वाट चेंज है दाउसिन तो ये तो डिनोट कर रहा है तो अपेस्ट्रॉफी हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इस बीच अपोजिट ऑफ हाइपरबोल हाइपरबोल का अपोजिट क्या होता है तो लिटोटिक्स होता है इसमें बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं और इसमें घटा कर बोलते हैं वेन द पोर्ट सी दैट ए इज बी इज ही इम्प्लॉयज एज बी एम्प्लॉय तो मेट ऑफर हो जाएगा ठीक है मेट ऑफर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन पर्सनिफिकेशन है क्योंकि मदर मान लिया गया किसको नेसेसिटी को तो सी पर्सनिफिकेशन की हम बात करते हैं द पुअर पीपुल ऑफ आयरलैंड शुड रीड दुल्स ऑफ पॉवर्टी बाई सेलिंग दिल्ड्रेन टू द रीक टू ईट इसी में दिखला रहा है ए क्या है आयरनी फ्रेंड्स ठीक है आयरनी है फोर्टी एट की बात करते हैं द फेस दमिंग बीजलिंग एन और एग्जाम्पल अब देखिए भन बनाती हुई मखियाँ और कैकलिंग करते हुए मुर्गी के बच्चे चिकन जो होते हैं उन्हें अनु भैया होगा साउंड इफेक्ट की बात कर रहा है हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम ए रिटोरिक क्वेश्चन होते हैं क्या होते हैं रिटोरिक क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन नहीं होते हैं बल्कि बोला जाता है कुछ काम करने के लिए अपने उनकी साफ सफाई के लिए तो भी ये क्वेश्चन होते हैं इनको रिटोरिक क्वेश्चन बोलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फिफ्टी uh, की बात करते हैं रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोट इन द बैटल फील्ड तो ये हाइपरबोल की बात करता है क्योंकि uh, कह रहा है कि युद्ध क्षेत्र में या रण क्षेत्र में इतना खून बहा कि नदियाँ बह चली ये तो असंभव है यानी बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है ठीक है ये रहा है आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच एंड यू रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम्पलर सी एच थैंक यू जय हिंद